नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। खपत से ज्यादा कोटा से शक्कर स्थिर, जुलाई के लिए 22 लाख टन का कोटा। देवी पड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार, कारोबारी गतिविधि रुकने के संकेत। जुलाई में कुछ शादियों के मुहूर्त आने के साथ ही श्रावण की खरीदी शुरू होती है। इसके बावजूद शक्कर के भाव में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होने से लोगों को पूरे साल पर शक्कर ने राहत दी है। सरकार ने जुलाई माह के लिए 22 लाख टन शक्कर कोटा जारी किया है। इसके बराबर का कोटा जून के लिए भी जारी किया था। पिछले वर्ष के मुकाबले सरकार ने अधिक कोटा जारी किया है। खपत से अधिक कोटा जारी करने से शक्कर के भाव स्थिर रहकर राहत पहुंचा रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार कोटा अधिक होने से आगामी त्योहार में भी शक्कर के भाव बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस समय थोक में शक्कर 34 से 35 रुपए और चिल्लर में 37 से 38 रुपए प्रति किलो चल रही है। बारिश में माल आवागमन प्रभावित होने की शंका में सरकार ने बाजार में शक्कर ज्यादा उतारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। जॉब मार्केट पर कोविड-19 महामारी का असर जारी है। इस बीच एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि कोरोना महामारी के कारण उनकी कुल सैलरी में 40% तक की कटौती हुई है। यह सर्वे कंज्यूमर रिटेल, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर समेत कई सेक्टर के 16,700 कर्मचारियों पर किया गया। इसका मतलब ये है कि सैलरी कटौती का असर अधिकांश सेक्टर में है। कोरोना की मार पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ी है। महामारी के कारण स्थानीय स्तर पर सख्त प्रतिबंधों के चलते विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में 11 महीनों में पहली बार जून में गिरावट आई। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई। मौसमी रूप से समायोजित IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जून में घटकर 48.1 रह गया, जो मई में 50.8 था। हालांकि बुनियादी क्षेत्र के 8 उद्योगों का उत्पादन मई माह के दौरान एक साल पहले के मुकाबले 16.8% बढ़ा है। यह बढ़ोतरी बीते साल का निम्न तुलनात्मक आधार होने और प्राकृतिक गैस रिफाइनरी उत्पादों, इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन बढ़ने से हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी है। नॉन सब्सिडाइज गैस सिलेंडर्स की कीमत 25.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में गुरुवार से गैस सिलेंडर की कीमत 834.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई। इससे पहले 1 मई को भी पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई थी। कंपनियों द्वारा जारी नई कीमतों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की भी कीमत बढ़ा दी गई है। नई कीमतों के अनुसार अब दिल्ली में यह सिलेंडर 1,550 रुपए प्रति सिलेंडर में मिलेगा। इसी तरह मुंबई में इस सिलेंडर की कीमत 1,507 रुपए, कोलकाता में 1,651.50 तथा चेन्नई में 1,687.50 होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। बीएसई सेंसेक्स में गुरुवार को 164 अंक की गिरावट आई। एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच सेंसेक्स में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले HDFC बैंक, इंफोसिस, HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट के साथ बाजार नीचे आया है। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 164.11 अंक यानी 0.31% गिरावट के साथ 52,318.60 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार NSE निफ्टी 41.50 अंक यानी 0.26% टूटकर 15,680 अंक पर बंद हुआ। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। खपत से ज्यादा कोटा से शक्कर स्थिर, जुलाई के लिए 22 लाख टन का कोटा। देवी पड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार, कारोबारी गतिविधि रुकने के संकेत। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।